हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी, सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ, दैट इज़ ज़ीरा राइस। सो सबसे पहले हम इसमें पीली सरसों का तेल डालेंगे, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ये मैंने एक छोटा चम्मच डाला है। ये स्पून मैंने तेल का डाला है। इसके बाद ये थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच घी ऐड करूँगी, दैट इज़ काऊ घी। मेक श्योर आपका ऑयल अच्छे से हॉट हो जाए, उसके बाद आप इसमें घी ऐड करें। घी इसमें हॉट हो रहा है, घी हॉट हो चुका है। नाउ वी ऐड ज़ीरा एंड कोरिएंडर पाउडर इन इट। वन स्पून ज़ीरा एंड वन स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड, देन सम कैश्यू, ब्लैक पेपर, देन पीस, पनीर एंड सॉल्ट। वैसे तो ज़ीरा राइस प्लेन भी बनता है, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को पनीर और मटर बहुत पसंद है तो मैं इसमें सब कुछ ऐड कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं इसमें हाफ स्पून तीखी वाली लाल मिर्च और कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें, ये गिलास मैंने चावल का लिया था और उतना ही दुगना पानी लिया है, यू कैन सी दैट। वन then second glass of water and then we are waiting for a boil of water and पानी में हल्का हल्का बॉयल आने स्टार्ट हो गया है क्योंकि चावल मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। मैं इसका पानी निकाल चुकी हूँ और मैं इसमें सिर्फ राइस ऐड कर रही हूँ। एक बॉयल आने के बाद आप इसका कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। मेक श्योर आप जितना चौड़ा और बड़ा बर्तन लेंगे उतने आपके चावल खिले खिले बने। चलो स्टार्ट करो, बोलो बोलो। अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, देन मैं लिड बंद कर दूँगी। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। देन आई क्लोज द लिड टिल 4 whistles ऑन हाई फ्लेम, यू कैन सी द फ्लेम। हाई फ्लेम पर आपको 4 whistles देनी है। गाइज वी आर बैक आफ्टर 4 whistles, सो वी आर ओपनिंग इट। इसे थोड़ी सी सीटी बची है वो आपको निकाल देनी है क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर तक बंद रखेंगे तो आपके चावल ओवर कुक हो जाएंगे और हमें चावल चाहिए खिले खिले, इसलिए हम तुरंत खोल देंगे और तुरंत हम परोस देंगे। आप बिस्तर निकलते हुए देख रहे हैं गाइस। नाउ इट्स टाइम टू ओपन इट। इट्स लुक्स अमेजिंग। नाउ वी आर सर्विंग इट। गाइज आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, यू कैन सी दैट लॉन्ग एज वेल।